स्नोपियर्सर पूरी तरह थम चुकी है। अब या तो मिस्टर विल्फर्ड की शर्तें मान लो या फिर कड़कड़ाती ठंड में जमकर मारे जाओ। मुझे मेरी ट्रेन वापस चाहिए मेलनी। उसकी कमान अब मेरे हाथ में नहीं है। तो फिर किसके हाथों में? स्नोपियर्सर के वासियों, मिस्टर विल्फर्ड के बनाए अमीर और गरीब के फासले को मिटाने में हमें 7 साल लग गए और अब वो टेल के जरिए वापस आ गया है। महाराज लेटन, यहाँ कोई महाराज नहीं है, स्नोपियर्सर पर अब लोगों का राज है। तुम्हारी मॉम ने मेरे नाम से लोगों पर राज किया। तुम्हारे छोड़कर जाने के बाद उन्होंने मेरी जान बचाई। विल्फर्ड कुछ साजिश कर रहा है, इससे पहले कि देर हो जाए हमें हमला करना होगा। स्नोपियर्सर ने हमला कर दिया है। मैं डिस्कनेक्ट नहीं कर सकती, हमें एक साथ रहना होगा। ये जेल अब वो गरीब खाना नहीं रहा, ये अब बॉर्डर है। 7 साल से हम इस जगह से निकलना चाह रहे थे और अब ये जगह तिजोरी हो गई है। तुम्हारी ट्रेन कैसी है लेटन? लोगों में अब विरोध पैदा होने लगा है, पुरानी दुश्मनी बाहर आने लगी है। मिस्टर विल्फर्ड, उसकी नज़र सिर्फ हमारी ट्रेन पर नहीं है बल्कि उसकी नज़र तो हमारे शरीर और आत्मा पर भी है। इससे बुरा और क्या हो सकता है? विल्फर्ड मर चुका था और अब अचानक से सामने आ गया। यह अनहोनी का अंदेशा है। हम अब भी आपको चाहते हैं सर। बाहर बर्फ गिर रही थी, ये मुमकिन नहीं है। पृथ्वी गर्म हो रही है, शायद इस पर फिर से बसने का हमारा सपना सच हो सकता है। उसने जो कहा है उसे साबित करने के लिए वो ट्रेन से बाहर जा रही है। आजकल अच्छे लोगों के चेहरे से भी पर्दा हटते देर नहीं लगती। तुम्हें अजीब लग रहा है ना इस ट्रेन को चलाना? ये मेरी बनाई दुनिया है और इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हाथ है। अब ये जंग लंबी चलेगी। अगर सिंहासन एक है तो महाराज भी एक ही होगा।